दोस्तों अभी सूर्य कुमार यादव को T20 का एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों तीसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल ही कर दिया था, लेकिन गेंदबाजी सही नहीं रही जिसके कारण भारत ने यह मुकाबला हार गया। लेकिन हारने का सबसे बड़ा कारण गेंदबाजी नहीं था बल्कि एक खिलाड़ी की लापरवाही की वजह से भारत ने मुकाबला हार गया। आखिरकार इस मैच के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था और इसके पीछे कौन है जिम्मेदार, आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन है बेहतर टीम, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से भारतीय टीम ने बैक टू बैक 2 मैच जीतकर सीरीज को 2-0 से आगे बढ़ रहा था और बाकी था तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज को अपना नाम करना। लेकिन इस मुकाबले में सब कुछ उल्टा पड़ गया। हालांकि तीसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 222 रन स्कोर बोर्ड पर लटका दिए थे, जिसमें से रितेश गायकवाड़ ने शानदार सेंचुरी ठोक दिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के सामने ये स्कोर काफी कम नजर आया और ग्लेन मैक्सवेल की आतिशी पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम ने यह मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया है। इस मैच के हारने का सबसे पहला गलती यह था कि ईशान किशन 0 पर आउट हो गया था। यदि यहां से वो कुछ रन जोड़ लेते अपने टीम के लिए तो भारत का स्कोर डेफिनेटली 230 के पास पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मैच को हारने का सबसे बड़ा और दूसरा वजह यह है कि तिलक वर्मा को रिंकू सिंह से पहले भेज दिया था। रिंकू सिंह जो कि अच्छे फिनिशिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तिलक वर्मा इस मैच में 24 गेंद खेले हैं, लेकिन वो भारत के लिए अच्छा फिनिशिंग स्टाइल में नहीं फिनिश कर पाए थे। यदि रिंकू सिंह यहाँ 24 गेंद खेल लेते तो वो अच्छा और 235 रन के आसपास स्कोर खत्म कर सकता था। और इस मैच का सबसे बड़ा हारने की वजह यह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप कर दिया था और इसके बाद मैथ्यू वेड ने शानदार तरीके से 30 रन जोड़ दिया अपनी टीम के लिए और भारत को डिफेंड करना और भी आसान कर दिया। इसके बाद आगे की गलती ये रही कि टीम इंडिया के आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 43 रन की जरूरत थी, तब ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए क्रीज पर कप्तान मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल मौजूद था। 19वें ओवर के अक्षर पटेल ने फेंका और इस ओवर के पहले 3 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बन सके थे। इसे टीम इंडिया को जीत पक्का लग रहा था, लेकिन चौथी गेंद पर ईशान किशन ने गिल्लियां बिखेर दी और स्टंपिंग की अपील कर दिया। तीसरे अंपायर ने जब रिप्ले देखा तो साफ नजर आया ईशान किशन ने गेंद को विकेट से आगे कलेक्ट किया था। इसे अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दे दिया और ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए फ्री हिट मिल गया। फिर फ्री हिट पर मैथ्यू वेड ने छक्का जड़ दिया और अगर ईशान किशन या लीगल डिलीवर को ठीक तरह से पकड़ लेते तो भारत के लिए 7 रन देना नहीं पड़ता। इसके बाद 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल रिवर्स स्कूप खेलना चाहते थे, लेकिन वहां चूक गए और ईशान किशन ने इस गेंद को पकड़ने में असमर्थ रह गए और बाउंड्री लग गई। इससे ऑस्ट्रेलिया टीम को बाय के रूप में 4 रन मिल गए और 19वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम को जीतने के लिए 22 रन की जरूरत थी, लेकिन उनकी 2 गलतियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए जीत निश्चित हो गया था। इसके बाद 20वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने प्रसिद्ध कृष्णा को गेंद थमाई, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के सामने चुनौती काफी बड़ा था क्योंकि सामने मैथ्यू वेड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज सामने था। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने टीम के लिए 22 रन नहीं बचा पाए और मैक्सवेल ने आतिशी पारी छक्के और चौके की लगाकर अपने सेंचुरी के साथ ये जीत अपने नाम कर लिया और इस सीरीज को 2-1 से खत्म कर दिया। और आने वाले 2 मैचेस में ये तय होगा कि ये सीरीज किसके पक्ष में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। वैसे दोस्तों आप सबको क्या लगता है ये सीरीज किसके नाम रहेगा, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा। और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।